हेलो वियर्स, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां दुआ की रहमत शुरू हो जाती है। वो गुनेगार की भी दुआ सुनता है। ए इंसान, हाथ मायूस नहीं होंगे, उठा कर तो देख। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर दुख ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम में उनका सामना करने की हिम्मत आए। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक खुदा के सिवा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब दुआ रंग लाती है तो आपकी जिंदगी रंगों से भर जाती है। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, और छोटी सी दुआ अर्श भी हिला देती है। जब भी किसी को दुआ दो तो अच्छी और दिल से देनी चाहिए, क्योंकि वो दुआ पहले आपके अपने हक में कबूल होती है। ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से। ए खुदा, कर दे कुछ ऐसी इनायत हम पे कि खुशियां ही मिले सबको हमारी वजह से। दुआ जुबान से नहीं दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ तो उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबान नहीं होती। इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। जो जिसे चाहता हो वो उसे मिल जाए, बहुत रुलाती है ये अधूरी मोहब्बत। आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, खुदा जरूर मिलने आएंगे, बस अपने दिल का दरवाजा खुला रखना। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। डूबने का डर मुझे हो तो कैसे हो, मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटोल कर देखो, ये फासला बेवजह नहीं होता। अगर मांगना ही है तो खुदा से मांग, जो जुबां पे आने से पहले दुआ की वजह जानता है। दुआ से इबादत है, दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से ही माफी है। दुआ करना कभी भी ना भूलना, क्योंकि दुनिया में सबको दुआ की जरूरत है। व्यूअर्स, इस वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल ऐसे ही बेस्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।